अभय दुबे साहब, मैं आपसे इसलिए क्योंकि एक चीज जरा समझे, जो दूसरा प्रण उन्होंने बोला है गुलामी के हर अंश से मुक्ति, मतलब मैं आप लोगों से इसलिए समझना चाह रहा हूँ, ये कोई बहुत ही या तो बहुत ही हाई फिलॉसफी है या आध्यात्मिक रूप से कुछ इस तरह की चीज है, क्योंकि उस साथ में उन्होंने कहा परिवारवाद की बात, और उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद केवल राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में घुस गया है और मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे तुरंत जय शाह साहब की याद आ गई कि अमित शाह साहब के पुत्र होने के अलावा क्रिकेट में वो कब उन्होंने बैटिंग की या बॉलिंग की या फील्डिंग की या कुछ और काम किया, मुझे तो नहीं याद है। तो ये गुलामी के हर हंट से मुक्ति, थोड़ा आप ऐसे समझ लें ये क्या चीज है, ये क्या है, और परिवारवाद, ये दो पे जरा आप स्पष्ट करें। आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत अच्छा पैनल आयोजित किया है, और मैं मुझे सबसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं प्रोफेसर अरुण कुमार और अन्य साथियों से कुछ बीच में पूछ के अपना ज्ञान वृद्धि करने की कोशिश भी करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है। अब मैं इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं ये पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से और अपने आप से भी पूछना चाहूंगा कि जिस वक्त 2019 के चुनाव का भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र पेश कर रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खुद प्रधानमंत्री ने और भाजपा के सबसे बड़े नेताओं ने ये दावा किया था, ये वायदा किया था कि जब आजादी के 75 साल मनाए जाएंगे, यानी उस वक्त से लेके जब 2.5 साल का वक्फा गुजर जाएगा, यानी जो 5 साल का उन्हें कार्यकाल मिलता है उसका आधा हिस्सा जब गुजर जाएगा, तब वो एक चेकलिस्ट उन्होंने पेश की थी कि हमने, तब हम बताएंगे कि हमने ये वायदे पूरे किए या नहीं किए। आपको ध्यान होगा, आपको सबको याद आ गया होगा, सब सारे पत्रकार सारे समीक्षक बड़ी सुविधा पूर्वक इस बात को भूल गए हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने जिन वायदों पर लड़ा था उसमें से एक बहुत बड़ी बात यह थी कि आपको 5 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी अगला जब लोकसभा चुनाव आएगा केवल तभी आप हमसे जवाब तलब नहीं कर पाएंगे, आपको हम लोग 2.5 साल के भीतर भीतर जवाब तलब करने का मौका देंगे। और उन्होंने ये बताया था कि ये वायदे हम कर रहे हैं आपसे, ऐसा ऐसा हम 2.5 साल के अंदर कर दिखाएंगे। आज प्रधानमंत्री ने उसका कोई जिक्र नहीं किया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसका कोई जिक्र नहीं करता है, और विडंबना यह है कि विपक्ष का भी कोई नेता जिक्र नहीं करता है, सरकार की तारीफ करने वाले समीक्षक उसका कोई जिक्र नहीं करते हैं, और सरकार की आलोचना करने वाले भी उसका कोई जिक्र नहीं करते। तो ये मसला जो है वो याददाश्त का मसला है। हम लोगों को चाहिए कि उस खरीते को, उस सूची को, वायदों की उस सूची को, जो कि 2.5 साल के अंदर अंदर प्रधानमंत्री को देश के सामने जवाब देना था, और स्वतः स्फूर्त तरीके से जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने राष्ट्रीय मंच से ये बात कही थी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम इन बातों को भूल जाएं और हम एक तरह से उनकी मर्जी पूरा करते हुए इन बातों को भूल गए हैं। तो सबसे पहले तो वो मांगे या वो वायदे हमें याद कराने चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री न याद करना चाहें तो उनको खोज के उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। ये बात सही है कि उस वक्त प्रधानमंत्री को नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि भाई बीच में एक महामारी आ जाएगी, और उस महामारी की वजह से हमें अपने बहुत सारे लक्ष्यों में संशोधन करना पड़ेगा, बहुत सारे वायदों में हो सकता है कि हम इतने प्रतिशत ग्रोथ चाहते थे तो हम चलिए इससे कम ग्रोथ तो हम गुजर बसर करने के लिए तैयार हो जाएं। ये सारे मॉडिफिकेशंस, ये सारे परिवर्तन तो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि उन वायदों का क्या हुआ जो कि 2.5 साल के अंदर अंदर पूरे किए जाने थे और प्रधानमंत्री को उनका जवाब दिया जाना था। ये नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने पूछा कि उन्होंने कहा कि हर तरह की गुलामी से छुटकारा चाहिए, तो अब वो गुलामियां तो बहुत सारी हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को अगर आप देखें तो हम लोग 1000 साल से गुलाम है, 1000 साल से हम लोग गुलाम है। हम लोग तो जो 1000 साल से गुलाम जो कौम है, अगर उनकी बात को सही माना जाए तो जाहिर है कि फिर उसको गुलामी से छूटने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो वो इस तरह की बातें करते हैं। ये तमाम बातें जो की गई हैं वो ऊपर से देखने में कितनी भी अच्छी लगे हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर वो उन्होंने जो 2.5 साल के अंदर अंदर जवाबदेही का जो प्रण किया था, उस प्रण को योजना पूर्वक
भूल भूल जाने वाला और भुला देने वाला ये भाषण है, और इस दृष्टि से ये भाषण बहुत कामयाब है क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से सफल रहे हैं। ये उल्टी सीधी बात है कि हमें गुलामी, परिवारवाद, ये देखिए ये भारतीय राजनीति का एक भारतीय राजनीति की एक समस्या है, वंशवाद और परिवारवाद। हम सब लोग इंदिरा गांधी के वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, उसकी आलोचना करते रहे हैं। हम लोगों ने लालू, मुलायम और इन सब लोगों के परिवारवाद की भी आलोचना की है, उसके खिलाफ भी संघर्ष किया है। तो ये ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके प्रति हम लोग सचेत ना हो, या देश में और दूसरे लोग इसके ऊपर सचेत ना हो। इसके ऊपर चर्चा होती रहती है, इसके ऊपर बहस होती रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चल चुका है, उस आंदोलन की वजह से जो कांग्रेस की साधारण रूप जीवन में साथ गिरी थी, उसी की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और लगातार वो उसी उस बात का उलाहना लगातार कांग्रेस को देते रहते हैं। तो ये सब कोई ऐसी बातें नहीं है जिनका जिक्र करके प्रधानमंत्री अपनी गली से निकल जाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि हम लोगों को अपना फोकस वहां पर रखना चाहिए। ये गुलामी के सभी अंशों से छुटकारा पाना होगा, ये सब हवाई किस्म की बातें हैं, इनके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं खपाना चाहिए और उनसे जवाब तलब करना चाहिए, उनका गिरेबान पकड़ करना चाहिए कि आपने पिछले 2.5 साल में जो कहा था वो क्यों नहीं किया। अबे भाई साहब, मेरा एक प्रश्न जरा आपसे समझने की दृष्टि से है। उन्होंने एक जो प्रण किया उसमें एक था अपनी विरासत पर गर्व। अब जब हम बड़े हो रहे थे तो हम अपनी विरासत, तो भाई हम कबीर तुलसी को देखे थे, हम अपनी विरासत में रिलीजियस टॉलरेंस को देखे थे, हम अपनी विरासत। अब आज क्या हो गया कि नाम बदलना एक विरासत हो रही है कि नाम बदल दो। अच्छा, अगर अकबर रोड और औरंगजेब रोड बदल रहे हो तो मानसिंह रोड का भी तो बदल दो। मानसिंह जी का अगर आप ओवरऑल देखिए तो जिस राष्ट्रीयता की बात करते हैं उस हिसाब से उसमें फिट इन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी विरासत जो मुझे लगती है, गांधी को जिस तरह से डिमीन करने की कोशिश की जा रही है, नाम लेना पड़ता है वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से डिमीन करने की कोशिश की जा रही है, उससे बड़ी विरासत, पॉलिटिकल विरासत तो मेरे ख्याल में सिर्फ हिंदुस्तान ने, दुनिया में अभी नहीं है कहीं। तो इसका जरा समझाइए, अपनी विरासत पर गर्व, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको अशोक सिंघल का एक वक्तव्य याद दिलाता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, जो हमारे बीच में नहीं है, उनका एक वक्तव्य याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद में भारत के ऊपर पहली बार एक हिंदू सरकार हुकूमत कर रही है। आप समझ रहे हैं ना क्या मतलब था? तो पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू राजा थे, और उसके बाद अगर कोई हिंदू राजा हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हुआ है। अभी शरद प्रधान जी कह रहे थे कि बिल्कुल राजा की तरह वो व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने उसी वक्त पृथ्वीराज चौहान से तुलना करके दो हिंदू राजाओं का उन्होंने बता दिया था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार तथाकथित विचारक हैं, इनका इतिहास बहुत क्या है हम सब लोगों को पता है ना, दक्षिण भारत के बारे में कुछ मालूम होता है, गुजरात पे इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर रही है, इन्हें गुजरात के इतिहास के बारे में भी नहीं पता है। मैं उनसे कहूंगा कि वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यास ही पढ़ लें, उससे उन्हें गुजरात के इतिहास के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो भारत में इनका पूरा, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, इन लोगों का जो बौद्धिक दांव ये होता है कि ये जो पिछले छह अंग्रेजों के भारत में आने से पहले का, यानी 1857 में जब पलासी की जंग सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी के अधिकार हासिल कर लिए, उससे पहले का जो 600-700 साल का इतिहास है, इस इतिहास को वो अंधेरे अंधकार युग कहते हैं। वो मानते ही नहीं कि उस युग में कुछ हुआ था, और न उसकी कभी कोई चर्चा करना चाहते हैं, केवल निंदात्मक स्वरों में उसकी बात करना चाहते हैं। उससे पहले का जो भारत है, केवल उसके भारत की बात करना चाहते हैं, वहां से वो सीधे छलांग मारते हैं और वो अंग्रेजों के जमाने में आके गिरते हैं। ये बिल्कुल वही रणनीति है जो कि यूरो केंद्रीय विचार प्रणाली ने रेनासांस के युग में, पुनर्जागरण के युग में विकसित की थी, कि या तो हमारे पास ग्रीको रोमन पुराकाल है, एंटीक्विटी है, या फिर सीधे सीधे एक आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, और बीच का पूरा अंधकार युग है। तो इसीलिए ये पूरा हथकंडा वही है। इस हथकंडे को समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो जिसको कहते हैं विरासत क्या है, तो बार बार बहुत ही भोंडे तरीके से, बहुत ही क्रूड तरीके से एक हिंदू विरासत को रेखांकित करते हैं और कहते हैं आप उसको याद रखिए। ये जो विभाजन के खिलाफ, विभाजन के सवाल के ऊपर जो यात्राएं वगैरह हो रही हैं, जो कार्यक्रम भेजे जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों का भी दरअसल उद्देश्य वही है। तो उसी तरीके से
उसमें जवाहरलाल नेहरू के कद को छोटा करना चाहते हैं। लगातार एक नियोजित कोशिश पिछले 8 साल से चल रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को कुछ नहीं दिया, जो कुछ किया उन्होंने नुकसानी किया, और खुल के तो नहीं लेकिन छिपा के वो गांधी जी के कद को भी छोटा करना चाहते हैं जी। मेरा एक चलते चलते एक पॉलिटिकल प्रश्न है, क्या सरकार और पार्टी का भेद खत्म होता जा रहा है? और ये जो आज रेडफोर्ट से हुआ, मुझे तो ये 2024 के इलेक्शन की गूंज मुझे लगी, तो क्या ये अब धीरे 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 ये मतलब सरकार खत्म होके पार्टी का ही राज हो रहा है, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल फंक्शन हो वहां पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलने लगे? प्रोफेसर आबिद, पहले आपसे एक जी आनंद जी, हमेशा यही होता रहा है, जो पार्टी सरकार में होती है और अगर वो दोबारा तिवारा भी सरकार में आती है तो वो उसका पूरी तरीके से सरकारीकरण हो जाता है और सरकार का पार्टीकरण हो जाता है। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से भारत में चल रही है। जब कांग्रेस लगातार सत्ता में रहती थी तो कांग्रेस का मतलब सरकार था, सरकार का मतलब कांग्रेस थी, राष्ट्रवाद का मतलब कांग्रेस थी, उसके नेता जो है जो कहते थे वही राष्ट्रवाद होता था। तो ये सब इस तरीके से कांग्रेस के जमाने में मीडिया का साइज छोटा था, बहुत सी चीजें हम लोगों तक पहुंचती नहीं थी, वहां अंदर क्या हो रहा है और जो जो राजनीति की अभिव्यक्ति थी वो थोड़ी सी विरल किस्म की अभिव्यक्ति थी। आज मीडिया का साइज बहुत बड़ा है, हर चीज पर बहस होती है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको हम लोग नए नए तरीकों से समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री हैं इनकी कुछ अजीब सी कुछ अलग सी कुछ ऐसी बातें भी हैं, इनके पास कोई बौद्धिक शख्सियत नहीं है। पहले जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कुछ नेता होते थे, उनकी एक बौद्धिक शख्सियत थी, तो वो जो प्रभा मंडल था उसके अंदर उनकी बहुत सी कमियां छुप भी जाती थी। इनकी कमियां छुपती नहीं है, निकल के आ जाती हैं। इनका इतिहास बोध भी बहुत कमजोर है, तथ्य भी उल्टे सीधे देते हैं, और चुनाव जिस तरह लड़ते हैं उसमें जिस तरह के भाषण देते हैं वो थोड़ा उनका स्तर भी बहुत शिष्टता का स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम लोगों को इनसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल से सरकार का पार्टीकरण और पार्टी का सरकारीकरण ये हो गया है, और मीडिया का भी पूरी तरीके से सरकारीकरण हो गया है, हम इस बात को जानते हैं। उनकी कोशिश ये है कि सार्वजनिक जीवन का भी सरकारीकरण कर दिया जाए, जो सरकार है सरकार कहती है वही राष्ट्रवाद है, वही देशभक्ति है, वही प्रगति है, वही सब कुछ है जी।